हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी और पेस प्लेनस के बारे में। अगर एक पैर में दिक्कत है तो इसे कहेंगे फ्लैट फुट, अगर ये दोनों पैरों में होती है दिक्कत तो इसे कहते हैं फ्लैट फीट, और इसका दूसरा नाम है पेस प्लेनस। पेस प्लेनस एक तरह की पैर की दिक्कत है जिसमें हमारा जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो नॉर्मल ना रहकर फ्लैट हो जाता है, जिस वजह से पैरों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से ना सिर्फ पैरों में, आपके फुट में दिक्कत आती है, उसके साथ साथ आपके एंकल जॉइंट में और आपके नी जॉइंट में, घुटने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। हमारे पैरों में दो आर्चेज होती है, एक मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च और दूसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो हमारे पैर में अंदर के हिस्से में पाई जाती है। ये एक तरह का टाइट बैंड है जो लिगामेंट्स, मांसपेशिया, फेशिया, टेंडन्स इनसे मिलके बना हुआ था, जो हमारे पैरों में पाया जाता है। ये सपोर्ट का काम करता है। जब भी पेशेंट वेट बियर करता है यानी सीधा खड़ा होता है तो जो फुट है उसको सपोर्ट में रखने के लिए ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का काम है। जब इस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च नॉर्मल ना रहकर ये फ्लैट हो जाता है तो इसे कहते हैं फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी और पेस प्लेनस। इसको फॉलन आर्च और कोलैप्स आर्च भी बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा पाँव नॉर्मल से फ्लैट फुट की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। ये सबसे ज्यादा 30 से 40 वर्ष के बाद होने वाली तकलीफ है। इसमें जो पैरों का अंदर का जो आर्च है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, जिस वजह से जब हम देखते हैं पेशेंट के पैर को तो ऐसा लगता है कि जो पैर का आर्च है और जो जमीन है वो एक साथ चिपकी हुई है। जब फ्लैट फिट होता है तो पेशेंट जब भी खड़ा होता है, चलता है, तो पैर अंदर की तरफ रोल करने लगता है, जिसे ओवर प्रोनेशन कहते हैं। कभी पैर बाहर की तरफ भी चले जाता है, पर सबसे ज्यादा ओवर प्रोनेशन यानी पैर जो है वो अंदर की तरफ घूमता रहता है, तो इसमें ये दिक्कत भी देखने को मिलती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे वाला जो फुट है, फीट है हमारा, नॉर्मल है। इसमें जो अंदर वाला आर्च है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, वो नॉर्मल लग रहा है। जो हमारा ऊपर वाला है पैर, उसमें फ्लैट फिट हो रखा है, मतलब जो फुट है जो वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है, यानी जो आर्च है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च वो बिल्कुल खत्म हो गया, और जो आर्च है, जो पैर है और जो जमीन है वो एक साथ चिपके हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं फ्लैट फुट कितने प्रकार के होते हैं। फ्लैट फुट दो तरह के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट और दूसरे रिजिड यानी कि ट्रू फ्लैट फुट। फ्लेक्सिबल फुट फ्लैट फुट में हमारे जो इंट्रिंसिक मसल होते हैं सोल के, जब वो वीक हो जाते हैं तो इसमें फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट होते हैं। वो वेट बियर करने पे, यानी कि जैसे ही पेशेंट जब पैर ग्राउंड पे रखता है तो फ्लैट फुट नजर आता है, यानी आर्च बिल्कुल नहीं नजर आता। और जब जैसे ही पेशेंट सीधा लेट जाता है या रेस्ट करता है, पैरों को रेस्ट पे रखता है या सीधा सो जाता है, तो आर्च बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल आर्च है। इसे पीडियाट्रिक फ्लैट फुट भी कहते हैं, क्योंकि जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उससे 5 से 6 साल के बाद ये जो आर्च है वो डेवलप होने लगता है। तब तक ऐसा ही लगता है कि बच्चों का आर्च बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए इसे पीडियाट्रिक फ्लैट फुट भी कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट ट्रू नहीं होता। इसमें जब पेशेंट रेस्ट पे होता है तब आर्च नॉर्मल लगता है, पर जैसे ही जब पेशेंट वेट बियर करता है, ग्राउंड पे अपना पैर रखता है, चलता है या खड़ा रहता है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आर्च नहीं है, और जैसे ही रेस्ट करता है तो आर्च बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है। दूसरा है एडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट और पोस्टीरियर टीबियल टेंडन डिसफंक्शन। ये ट्रू फ्लैट फुट है। जो ट्रू फ्लैट फुट है उसमें पेशेंट सिटिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग या लेटा हुआ है, कोई भी पोस्चर में है, उसमें आर्च जो है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। ना बैठने पे दिखती है ना लेटने पे दिखती है, मतलब
कोई भी पोस्चर में हूँ, आप चाहे चल रहे हो या लेटे हो, उसमें ट्रू फ्लैट फुट नजर आता है, मतलब आपकी आर्च बिल्कुल नहीं नजर आती, और इसे कहते हैं ट्रू फ्लैट फुट, यानी कि बिल्कुल भी आर्च नहीं होती। इसमें ट्रू फ्लैट फुट में जो हमारी टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन मसल्स है वो वीक हो जाती है, हमारे टखने के पीछे एक नस जाती है जिसको टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन कहते हैं, और ये टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन एक ऐसी टेंडन है जो टखने के पीछे एक राइट एंगल 90 डिग्री का टर्न लेती है, और जहाँ पे वो टर्न लेती है उसके जस्ट आगे के हिस्से में जो टेंडन का पार्ट है, जो टेंडन का हिस्सा है, वहाँ पे खून का बहाव कम हो जाता है, जिसके कारण वो जो हिस्सा है वो अवेस्कुलर हो जाता है, वहाँ खून का बहाव बहुत कम होने लगता है और डैमेज हो जाता है, और वहाँ पे इंजरी सूजन हो सकती है। मतलब जैसे जैसे ये नस कमज़ोर हो जाती है, जो टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन है वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसका असर पाँव पे पड़ता है, मतलब पाँव नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है, तो इसलिए इसे पोस्टीरियर टिबियल टेंडन डिसफंक्शन और टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन डिसफंक्शन भी कहते हैं। ये एक तरह की बढ़ने वाली दिक्कत है, ये कम नहीं होती, जैसे जैसे आप ध्यान नहीं देंगे और ये दिक्कत बढ़ती जाएगी, तो इसका सही तरह से इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पैरों में ही नहीं दिक्कत देती, ये हमारे घुटने में, हमारे कूल्हे में भी दिक्कत आनी इससे शुरू हो जाती है। अब क्या कारण है फ्लैट फुट का? पहला तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ये बाय बर्थ है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसका जो है किसी कारण की वजह से, या तो पेशेंट का सेरेब्रल पाल्सी हो रखी है, कोई दिक्कत हो रखी है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल नहीं है, कोई न्यूरो की प्रॉब्लम या मांसपेशियों की प्रॉब्लम हो रखी है, या फिर जो हड्डियां है पैरों की वो ही सही से नहीं बनी हुई, या आर्च ही पहले से बना हुआ नहीं है, तो इस वजह से फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी इनमें देखने को मिलती है। फिर जेनेटिक्स, ऐसा भी माना गया है कि अगर पेरेंट्स को है फ्लैट फुट तो आगे जाके बच्चे को भी फ्लैट फुट हो सकता है। फिर हमने बात करी थी कि जो पोस्टीरियर टिबियल टेंडन है उसका दिक्कत हो जाती है, उसका डैमेज हो जाता है, तब भी फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी होती है। फिर आपके अगर पैरों की कोई इंजरी हो गई है, आपका फ्रैक्चर हो गया है पैरों के हड्डियों का, या फिर जो लिगामेंट है उसकी इंजरी हो गई है, जोड़ों की इंजरी हो गई है, या फिर बहुत देर तक आप लगातार खड़े हो, बैठे हो, घंटों ओवर यूज हो रहा है आपके लिगामेंट्स का, पैरों का, टेंडन्स का, या आप ऊंचाई से गिर गए हैं, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया है कोई भी कारण की वजह से, या ओवर यूज आपने ज्यादा चल लिए, ज्यादा दौड़ लिए, तो इस वजह से भी फ्लैट फुट की दिक्कत आती है। अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे जैसे आप एज होती जाती है तो आपके जो कार्टिलेजेस है, जो लिगामेंट्स है, वो धीरे धीरे उसमें वियर एंड टीयर होने लगता है, तो इस वजह से भी दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर आपको इम्यून सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत है, या गाउट है, फाइब्रोमाइल्जिया की दिक्कत है, या ऐसी कोई दिक्कत है जो जोड़ों से, लिगामेंट से रिलेटेड है, जिस वजह से आपके पैरों पे जोड़ पड़ता है, या फिर आपके पैरों के जो लिगामेंट्स है, जोड़ है, वो बहुत ज़्यादा उनमें वियर एंड टीयर होने लग रहा है, इनका इन्फ्लामेशन हो गया है, इस वजह से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। फिर आपका जो आर्च है वो ही सही से नहीं बना हुआ है, पहले से ही फ्लेक्सिबल नहीं है, वीक है बहुत ज़्यादा आर्च, इस वजह से भी दिक्कत देखने को मिलती है। जो पोस्टीरियर टिबियल टेंडन है, अगर वो उसका डैमेज हो गया है तब भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। जब आपका नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं होता, मतलब आपकी जो मस्कुलर डिजीजेज है, या फिर आपकी मांसपेशियों की कोई दिक्कत है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी है अगर बच्चे को, तो पोस्चर सही नहीं होता, बच्चा सही से चलता बैठता नहीं है, तो पैरों पे जोर पड़ता है, और इस वजह से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रखी है, आपकी मांसपेशियाँ वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, वीक हो रही है, लगातार कमज़ोर होती जा रही है, तो भी ये पैरों में दिक्कत आती है फ्लैट फुट की। या जैसे जैसे बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको स्पाइन की कोई दिक्कत है, स्पाइन में जो है स्पाइनल कॉर्ड है उसमें गैप आ रखा है, या कोई भी दिक्कत है, इस वजह से भी फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। या फिर आपका जो पैरों की हड्डी है, हड्डियाँ हैं वो आपस में फ्यूज़ हो रखी है, चिपक रखी है, और जिस वजह से पैर बहुत टाइट हो रखा है, तो इस वजह से भी फ्लैट फिट देखने को मिलता है। या आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है, यानी आपका शरीर का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तब भी आपके जो शरीर का पूरा जो वेट है वो आपके पैरों पे पड़ता है, आपके पैर धीरे धीरे फ्लैट होने लगते हैं, उनका जो नॉर्मल होना चाहिए वो गोलाई में होने लगते हैं।
अगर आपको डायबिटीज है तो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की दिक्कत की वजह से भी हो सकता है, डायबिटिक फुट हो सकता है, इस वजह से भी फ्लैट फिट की दिक्कत आ सकती है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें दोनों का, खुद का और बच्चे का भी वेट जब पड़ता है तो वो पैरों पे वेट जाता है, और इस वजह से पैरों पे जब जोर पड़ता है तो जो नॉर्मल कर्वेचर है, जो नॉर्मल आर्च है, वो फ्लैट होने लगता है, या फिर जैसे जैसे एज होती जाती है जो पेशेंट का कार्टिलेज है, मांसपेशिया है, जोड़ है, वो वीक होने लगते हैं, उनमें उनमें दिक्कत आनी, उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से भी फ्लैट फुट देखने को मिलता है। अब क्या लक्षण देखने को मिलते हैं फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी में? इसमें पेशेंट का जो आर्च होता है वो नॉर्मल नहीं होता, और जिस वजह से पैर अंदर की तरफ घूमने लगता है, रोल करने लगता है, और जब भी पेशेंट चलता है या उठता है। इसके साथ साथ पेशेंट को कमर की दर्द भी शुरू हो जाती है, फूलों में दर्द, घुटने में दर्द, एंकल जॉइंट में दर्द आने लगता है, सूजन आ जाती है, जो आगे की मांसपेशी है उनमें बहुत ज़्यादा कमजोरी और दर्द होने लगता है। पेशेंट को सूजन के साथ साथ टाइटनेस, और जब भी पेशेंट जैसे उठ के खड़ा होता है तो बहुत तेज का दर्द उठता है। उसके साथ साथ पोस्टीरियर टीबियल टेंडन, जो एक टखने के पीछे का जो टेंडन है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है पेशेंट को। जैसे पेशेंट खड़ा होता है, उठता है, बैठता है, चलता है तो दिक्कत आती है। इसके साथ साथ पेशेंट को को पैर में कभी कभी सूनापन महसूस होता है, झनझनाहट सा महसूस होता है। कभी कभी पेशेंट की जो हड्डियां हैं, ज़्यादा जोर पड़ने से छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े निकलने लगते हैं, जिससे पैरों में सूजन, झनझनाहट और नस दबने की भी दिक्कत आ जाती है। और डायबिटीज़ है पेशेंट को तो और ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि अल्सर हो जाता है, पेन होता है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, पेशेंट का पोस्चर सही नहीं रहता। जैसे पेशेंट खड़ा होता है तो पैरों का सही पोजीशन नहीं होने की वजह से पोस्चर बिगड़ता है, जिस वजह से पेशेंट को हिप्स के साथ साथ जोड़ों, सब जोड़ों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, घुटने में, हिप्स में, और बैक पेन की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अब इसका फ्लैट फुट का इस डिफॉर्मिटी का पता कैसे किया जाता है? फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर आपके फिट को चेक करते हैं, आगे के हिस्से में, पीछे के हिस्से में चेक करते हैं, आपका नॉर्मल आर्च देखते हैं, कितना आर्च बिगड़ा हुआ है, कितना नहीं है, आपका शूज क्या पहनते हो, आपके शू, आपका काम करने का तरीका क्या है, आप क्या ऑक्यूपेशन है आपका, फिर आपका जो पंजा है उसका मूवमेंट चेक करते हैं, आपका फुट का आर्च चेक करते हैं। उसके साथ साथ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, इमेजिनिंग टेस्ट से भी पता किया जाता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, इनसे भी पता किया जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा किन में देखने को मिलता है, किस में सबसे ज़्यादा रिस्क है? तो ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी। पुरुषों से कंपेयर करें तो डायबिटीज लोग में, जिनमें डायबिटीज़ है, हाई ब्लड शुगर लेवल रहता है, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, या जो लोग घंटों जंपिंग करते हैं, या फिर बहुत घंटों चलते हैं, या उबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलते हैं जो लोग, या घंटे घंटों खड़े रहते हैं जो लोग, उनमें ये सबसे ज़्यादा रिस्क है फ्लैट फुट होने की। जिनका बीपी ज़्यादा रहता है उनमें देखने को मिलता है, या कोई इंजरी हो रखी है पहले पैरों की, उनमें सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आती है, या पेशेंट को एज की प्रॉब्लम हो रही है, आर्थराइटिस हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहा है कार्टिलेज का, एज प्रॉब्लम हो रखी है, तब भी दिक्कत देखने को मिलती है। या पेशेंट का जो ट्रेनिंग जो है स्पोर्ट्स को, जिस स्पोर्ट्स में उसमें वो सही से नहीं वर्क करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ना अच्छा वार्म अप करते हैं, और इस वजह से भी इनमें रिस्क है सबसे ज़्यादा। पेशेंट जिनमें सबसे ज़्यादा वेट है उनमें सबसे ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर जिनकी जो मांसपेशी है वो अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, वीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है, या पहले कोई इंजरी हो रखी है घुटने की या फिर पैरों की, और तो इस वजह से भी फ्लैट फुट होने की दिक्कत इनमें सबसे ज़्यादा होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे मेन है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप थोड़े दिन तक अपने पैरों को रेस्ट में रखें और आइसिंग करते रहें, अपने जहाँ पर भी आपको दर्द है वहाँ आइसिंग करें आप दिन में 2 से 3 बार 20 से 25 मिनट तक लगातार। दर्द की दवाई लें आप, ताकि दर्द और सूजन आपका कम हो, इन्फ्लामेशन कम हो सस्ते का, आइबुप्रोफेन, एनएसएड्स दवाई लें आप, ऑर्थोटिक्स यूज़ करें जो सपोर्टिव होते हैं फुट के, ताकि आपका पैर जो है उसमें एक्सेस स्ट्रेस ना पड़े और सपोर्ट में रहे जब भी आप चलो, उठो, बैठो। उसके साथ साथ अगर आपका शूज़ सही नहीं है तो आप शूज़ फटाफट रिप्लेस करो, सही शूज़ पहनो, उसके साथ साथ पैड होता है वो लगा के रखो ताकि एक्सेस स्ट्रेस ना पड़े। आप अपना फुटवेयर अच्छा पहनो, फिटेड, वेल फिटेड होना चाहिए आपका जूता, या ज़्यादा
टाइट या ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके फिट के हिसाब से होना चाहिए। उसके साथ साथ आप एक इंसोल भी लगा सकते हैं ताकि आपका पैर जो आर्च है वो सपोर्ट में रहे, ताकि एक एक्सेस प्रेशर ना पड़े आपके पैरों पे, आपके आर्च पे, और जाके पेन और आपको दिक्कत ना हो। फिर अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत है कि हद ही दिक्कत है कि सिवियर पेन है, तो उसमें फुट सर्जरी होती है। फुट सर्जरी में दो तरह की होती है, टिबिलिस पोस्टीरियर टेंडन रिकंस्ट्रक्शन, इसमें जो टिबिलिस पोस्टीरियर टेंडन है उसको रिप्लेस करके, अच्छा उस डैमेज टेंडन को रिप्लेस करके न्यू टेंडन लगाते हैं। वो टेंडन होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन का। कैल्केनियम ऑस्टियोटॉमी करते हैं, इसमें हड्डी ही जो आपकी एडी की हड्डी है उसको वहाँ इंसिशन लगा के कट करके उसमें एक मेटल स्क्रू इंसर्ट कर देते हैं ताकि जो आपका आर्च है वो वापस नॉर्मल में आए। उसके साथ साथ एक्सरसाइजेज होती है, अगर आप सर्जरी हो रही है उसके बाद भी थोड़े दिन बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है नेक्स्ट डे से ही, उसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज से अपना पाँव को आर्च को वापस नॉर्मल कर सकते हैं तो आप एक्सरसाइज ये करना है। आपको एक्सरसाइज पहली है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस फॉर एंकल जॉइंट, इसमें आपको पैरों को पंजे को ऊपर नीचे 10 बार करना है, अंदर बाहर 10 बार करना है, और रोटेशन करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं पंजे को ऊपर नीचे अंदर बाहर फिर घुमाना है। दूसरा हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग, इसमें आप ऐसे दीवार पे दोनों हाथ रख के खड़े हो जाएंगे, एक पांव आगे एक पांव पीछे रखेंगे, जिस पैर की आपको एक्सरसाइज करनी वो पैर पीछे रहेगा, जो पैर सही है वो आगे रहेगा। फिर आपको अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी और जो आगे वाला पैर है उसके घुटने को थोड़ा सा बेंड करके फिर आपको आगे की तरफ आना है, होल्ड करना है आपको पीछे, पीछे वाले पैर में स्ट्रेच आएगा पीछे के हिस्से में, काफ में, पिंडलियों में, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स ऐसे 2-3 बार करना है। फिर है टो लिफ्ट, इसमें आप पैर अपना जमीन पे रख देंगे, फिर आपको जो आपका अंगूठा है उसको ऊंचा करना है और सारी उंगलियां नीचे रहेगी, होल्ड करना है, फिर उसके बाद आपको अंगूठा नीचे रखना है और सारी उंगलियों को उठाना है, ऐसे दोनों करने हैं 10-10 बार, हर बार में आपको 5 से 10 सेकंड तक रोकना है। फिर है शॉर्ट फुट, इसमें आप पैर जमीन पे रख लेंगे, फिर आपको अपना जो अंगूठा है और उंगलियां वो जमीन पे टिकाए रखनी है और एड़ी भी जमीन पे टिकाए रखनी है, बस आपका जो अंदर वाला हिस्सा है ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च वाला जो हिस्सा है वहां से आपको उठाने की कोशिश करनी है, 5 से 10 सेकंड तक रोकना है, फिर रिलैक्स ऐसे दिन में 2-3 बार करना है, हर बार में आपको 10-10 बार एक्सरसाइज करनी है। फिर टो कर्ल्स, आप अपने पैरों के नीचे टॉवल रख लेंगे, फिर आपको अपनी उंगलियों अंगूठों से टॉवल को समेटना है, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। फिर है काफ स्ट्रेचिंग, इसमें आप ऐसे एक स्टेप पे खड़े हो जाएंगे सीढ़ी के, या कोई सी भी आप वुडन बोर्ड ले लेंगे या सीढ़ियों पे एक स्टेप पे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और अपने पैरों को नीचे की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर आर्च मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इसमें आप सीधा बैठ जाएंगे, फिर जिस पैर की आपको एक्सरसाइज करनी उस पैर को क्रॉस करके दूसरे पैर पे रख देंगे, दूसरे थाइस पे, फिर आप ऐसे थेराबैंड बांध लेंगे अपने पैरों पे और जो आपका पैर जमीन पे है उस पर ऐसे दबा लेंगे, फिर आपको अपने हाथों से पैरों को अंदर की तरफ घुमाना है, यानी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का करना है आपको रोटेशन, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर है प्लांटर फेशिया स्ट्रेच, इसमें आप दीवार के सहारे सामने देख के खड़े हो जाएंगे, फिर आप जो अपना पैर है आपका जो अंगूठा है वो आप जिस आपको जिस पैर की करनी है उसको आगे रख के आप अपना घुटना मोड़ के जमीन जो आपका दीवार है उस पर टिका के फिर आपको अंगूठे को अंदर की तरफ करना है, फिर आपको होल्ड करना है, स्ट्रेच आएगा आपको, फिर रिलैक्स। फिर है प्लांटर फेशिया मसल रिलीज, इसमें आप पैरों के नीचे सॉफ्ट बॉल रख लेंगे और आपको बॉल को रोल करना है, जैसे आप टेनिस बॉल ले सकते हैं, फिर आपको रोल करना है अंदर बाहर ऊपर नीचे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे आप दिन में 4-5 बार कर सकते हैं 10-10 बार। फिर होम केयर की हम बात करते हैं तो आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा चलने की स्विमिंग बाइकिंग या जंपिंग दौड़ना कूदना कुछ नहीं अवॉइड करना है, सब रेस्ट करना है। आपको आर्च के सपोर्ट्स पहनने ऑर्थोटिक्स पहनने आपको ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे ताकि जो आपका पैर है वो सही रहे, आपको आपके पैर पे प्रेशर ज़्यादा ना पड़े और धीरे धीरे आपकी दिक्कत सही होते जाए। फिर आपको अच्छे शूज़ पहनने, सपोर्टिव शूज़ पहनने हैं, हील्स के चप्पल नहीं पहनने हैं, आपको आइसिंग करनी दिन में
तीन से चार बार 20 से 25 मिनट तक, फिर आपको वो एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें आपका दर्द बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं खेलना आपको, दवाई प्रॉपर लेनी है आपको, अगर सूजन है तो आपको एंकल ब्रेस आता है वो पहनना है, अपना वेट नहीं बढ़ाना है, वेट ज़्यादा है तो उसको कम करना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है ताकि आपकी दिक्कत जो है वो धीरे धीरे कम होती जाए, ज़्यादा तक ना खड़ा रहना है ना बैठना है, थोड़ी थोड़ी देर में पोस्चर चेंज करना है, उबड़ खाबड़ ज़मीन पर बिल्कुल नहीं चलना है और एक्टिव रहना है. थैंक यू.